पिछले दिनों लुधियाना के गांव जंडियाली में एक घर वालों को बंधक बनाकर की गई लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस वारदात अंजाम देने वाले लुटेरा ग्रोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि 5 दिसंबर की रात को गांव जंडियाली में लुटेरा ग्रोह ने एक घर में घुसकर घर वालों को बंदी बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में लुटेरों द्वारा घर में मौजूद महिलाओं सहित पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की गई थी। इस मारपीट में 3 महिलाओं सहित 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। लुटेरे घर में जमकर उत्पात मचाते हुए सोने चांदी के जेवरों सहित नकदी लूटकर फरार हो गए थे। लुधियाना के DCP क्राइम गगनजीत सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन अपराधियों में से एक आरोपी को PCR के मुलाजिम बसंत कुमार ने पीछा कर गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी को रामगढ़ चौकी प्रभारी हरभजन सिंह की पुलिस पार्टी ने नाकेबंदी के दौरान काबू किया है और 6 आरोपी अभी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर पहले भी होशियारपुर, पठानकोट, जलंधर, नवांशहर और अमृतसर में कई केस दर्ज हैं। 5 तारीख की दरमियानी रात को एक जंडियाली गांव है, पुलिस स्टेशन जमालपुर, कमिश्नर लुधियाना में ये गांव आता है और थाना जमालपुर का एरिया है। वहां पे इन्होंने कुछ मैसेज आया भी, वहां पे एक वारदात हुई है जिसके तहत एक पर्चा दर्ज भी किया गया था, जो 250 नंबर पर्चा दर्ज किया हमने। वहाँ पे कुछ मैसेज आया भी, 8 आदमी किसी के घर घुस के उन्होंने वारदात की है। तो वहाँ पे जो बलवीर नाम का आदमी था उसके चोटे मारी और उसकी बाजू भी तोड़ दी थी। वहाँ से वारदात करके एक साथ ही उसी पुलिस स्टेशन जमालपुर के एक और गांव है, जंडियाली ही गांव है, उसमें रामायण राम के जो एक मोटर है उसके पास एक घर था, वहाँ पर उसके घर में भी घुस के इसी तरह 2 तोले सोना और 10,000 रुपया लूट के भाग गए थे। तो पहले वारदात के हिसाब से ऑलरेडी हमारी पुलिस पूरी सर्च पे लगी हुई थी, तो जब दूसरी वारदात हुई तो हमारा पुलिस जो सब इंस्पेक्टर हरभजन सिंह, उसकी पार्टी हैं, कुछ ऑफिसर्स हमारे ADCP, ACP, ADCP 4, ये सारे मौके पे पहुंचे, तो सर्च शुरू की। और 75 नंबर जो हमारा PCR मोटरसाइकिल था, जिसमें बसंत लाल हेड कॉन्स्टेबल और जसपाल सिंह ने मौके पर 2 आदमी काबू कर लिए, जिनका नाम था अब्दुल और साजिम, और 8 जो 6 आदमी थे वहाँ से मौके से फरार हो गए थे। इनको जब पकड़ा गया तो इनसे पूछताछ की गई, तो यहाँ इनके पता चला कि इन्होंने 8 वारदातें जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ पर्चे दर्ज हैं, कुछ अमृतसर में, कुछ नवेशहर में FIR दर्ज, टोटल 8 वारदातें इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में की हैं। ये कानपुर के रहने वाले हैं पीछे से, और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है भी ये एक दिन आके पहले रेकी करते हैं जो सुनसान एरिया में घर है, और फिर बाकी अपने साथी बुला के वहाँ पे इनको वारदात करके अंजाम देके, और ये जींद का एरिया है वहाँ पे इन्होंने अपनी ठहर बनाई हुई थी, वहाँ भी रेड की हुई है। तो आगे जो भी इनको हम प्रोटेक्शन फ्रंट पे लेके जो भी। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।